लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की करतूतों से देश भर में बवाल मचा हुआ है और इसी बीच गृह विभाग ने मॉब लिंचिंग को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। देश की शीर्ष अदालत के निर्णय की पालना में पुलिस और प्रशासन को एडवाइजरी जारी की गई। अब निर्देशों की अवहेलना करना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। अलवर के रामगढ़ में हाल ही में कथित गौ तस्कर की हत्या के बाद मॉब लिंचिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों में भीड़ तंत्र के गुनाह पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून बनाने तक की चर्चा हुई, लेकिन 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सरसरी सुनवाई में मॉब लिंचिंग को लेकर निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश में भी मॉब लिंचिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी करने का दबाव बढ़ा। अब गृह विभाग को पुलिस और प्रशासन के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी में मॉब लिंचिंग के कारण दूर करने, मॉब लिंचिंग को रोकने, मामले में दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का उल्लेख किया गया है। उस एडवाइजरी के जरिए हर जिले में एक नोडल ऑफिसर रहेंगे, वो नोडल ऑफिसर जो हैं वो इस तरह की घटनाओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त वो जो है वो हर महीने एक अपने जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, अपने ऑफिसर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, आम जनता के साथ भी टच में रहेंगे और प्रयास ये करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए जिले में एसपी या डीसीपी नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। एसपी की सहायता के लिए एएसपी और डीएसपी सहायता करेंगे। 5 साल में मॉब लिंचिंग वाले जिलों, उपखंडों, गांवों की पहचान की जाएगी और ये काम 3 सप्ताह में पूरा किया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में थाना अधिकारी विशेष सतर्कता बरतेंगे। जिला नोडल अधिकारी महीने में एक बार करेगा समीक्षा, इसके लिए स्थानीय इंटेलिजेंस और थाना अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं डीजीपी की हर सोमवार को वीसी में भी मॉब लिंचिंग जैसे मामले शामिल होंगे। मॉब लिंचिंग के संदेह पर अधिकारी भीड़ को खदेड़ सकेंगे, साथ ही मॉब लिंचिंग वाले संवेदनशील इलाकों में गश्त की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी लगाम कसी जाएगी। आईपीसी की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। मॉब लिंचिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस FIR दर्ज करेगी। मामले में तय समय में चालान पेश किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को भी दिशा निर्देशों की अवहेलना करना भारी पड़ सकता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल गृह विभाग ने मॉब लिंचिंग पर भले ही एडवाइजरी जारी कर दी हो, लेकिन हकीकत में धरातल पर भीड़ के तंत्र से निपटना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मुश्किलें तब और बढ़ जाएंगी जब मामले में सियासी दखल हो। ऐसे में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मॉब लिंचिंग पर विराम लग जाएगा। मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार खासी चिंतित है। सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और वहीं कल गृह मंत्रालय में उच्चाधिकार समिति की बैठक है, वहां मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाए जाने की जरूरत पर विचार होगा। अब देखना यह है सरकार की ओर से उठाए जा रहे ये कदम मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। विष्णु शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।